स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े स्वच्छाग्रहियों ने बकाया मानदेय सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय स्वच्छाग्रह संघ ने धरने के तीसरे दिन बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष रंजीत पांडे के नेतृत्व में धरना जारी रखा। धरने में गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, कैंपियरगंज सहित अन्य मंडलों के स्वच्छाग्रही मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष शेषमणि जायसवाल ने कहा, दिवसीय धरना दे रहे, आज तीसरा दिन है। सारे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने वो निर्देशित कर चुके हैं, ये नहीं मिलेगा। हम सारे लोग ये चाहते हैं, धरना की मांग में हम लोग रात दिन 24, लेकिन हम स्वच्छाग्रहियों की ये देन है। दिन एक करके हम लोग जी जान से लगे हैं, हम लोग शौचालय बनवा रहे, तैनात कर दिया है, बहुत जल्द ही परिश्रम है। हम लोगों का सुझाव है, हम लोगों के द्वारा एक बताइए, यही मांग है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मैं शेषमणि जायसवाल, स्वच्छाग्रही संघ जिला अध्यक्ष। हमारी मांगे हैं, हम लोग पिछले 25 और 26 तारीख को धरना दिए थे, जो कि हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। वही मांगे पूरी करवाने के लिए हम लोग दोबारा धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं, जो कि हमारी सुनवाई किसी अधिकारी या उच्च अधिकारी के कानों तक जाकर भी नहीं हो पाती है। जनपद से गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, फैजाबाद, मतलब हर जगह, हर जिले, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से स्वच्छाग्रही आए हुए हैं, जो कि अभी तो तीसरा दिन है। लोग कह रहे हैं अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग अमर अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम लोग दिनों रात चलकर 24 घंटे काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, शौचालय बनवाने के लिए, अपने देश से गंदगी हटाने के लिए हम लोग दिनों रात अथक प्रयास करके काम कर रहे हैं। हम लोग कैसे काम करें? बगैर पैसे का कोई काम होने वाला नहीं है। आप ही लोग बताइए, अगर वेतन ना मिले तो धरने पर बैठ जाते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं। हम लोग 1.5 साल हो गया काम करते हुए, पैसा नहीं मिला।